चला दीजिए। महात्मा गांधी अमर है, अमर है, अमर है। बापू तेरा ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, बापू तेरा ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। जब तक सूरज चांद रहेगा बापू तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बापू तेरा याद करेगा हिंदुस्तान, बापू तेरा ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। जब तक सूरज चांद रहेगा बापू तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बापू तेरा नाम रहेगा। बापू तेरा ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, बापू तेरा ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। जब तक सूरज चांद रहेगा बापू तेरा नाम। ऊपर विनम्रता विजय प्राप्त करती है, कर सकती है। अगर उसका दर्शन करना है तो वो महात्मा गांधी एक दर्शन नहीं, पूरी एक ग्रंथ है। वास्तव में किस तरह से अंग्रेजों को बाहर भगाया उन्होंने। अभी भाई अनुज जी एक किस्सा सुना रहे थे, एक किस्सा मेरे को भी याद है कि जब देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी दोनों हाथ फैलाकर बाहर निकल पड़े पूरे देश से मांगने के लिए कि अब भारत निर्माण की आवश्यकता है, हम किस तरह से इसका निर्माण करें। तो जो भी सामने पड़ता था, किसी के पास अगर आभूषण है तो उनकी झोली में डाल देता था, कुछ कड़े पहने तो महिला कड़े डाल देती थी। राष्ट्र निर्माण का जो एक जज्बा था उसको लेके आगे चल पड़े। इतनी देर में एक बहुत वृद्ध महिला ने 1 रुपए का सिक्का बड़ी मुश्किल से अपनी गांठ से खोला और डालने का जो प्रयास करा वो उनकी झोली से गिर पड़ा। भीड़ ज़्यादा थी, महात्मा गांधी ने नेहरू जी को सब लोगों को लगा दिया, पहले वो सिक्का ढूंढो जो नीचे गिरा। उस सिक्के को उठाने के लिए जिस सारे के सारे लोग लग गए, कुछ समय बाद वो मिल गया। आज 30 जनवरी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत का दिन है। आज के दिन 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शाम 5 बजे अपनी प्रार्थना करके जब निकल रहे थे तो इस देश में संघी के संगठन के एक व्यक्ति रामथुराम गौड़से जी ने उनकी हत्या कर दी थी। वो इस देश का काला दिन था और उस देश की काले दिन को आज हम याद कर रहे हैं कि हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने इस देश की भारत की आज़ादी की लड़ाई किया हुआ थे, महानायक के रूप में इस देश को आज़ाद कराने का उन्होंने जो भूमिका अदा की है, जिसकी वजह से हम पूरा भारत हमारा आज़ाद है। आज जो पूरा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था उसको बचाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू किया और पूरे देश की एकता और अखंडता के साथ पूरे देश के हिंदू और मुस्लिम सिख और ईसाइयों को जोड़कर इस देश की ताकत बनकर अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने का जो काम किया, उस महान आत्मा की आज शहादत है। और आज हम उसको शहादत के दिवस पर हम लोग एक संकल्प लेते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस संकल्प के साथ इस भारत को आज़ाद कराया था, आज हम उसी संकल्प के साथ भारतीय एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए इस देश के मजबूत, इस देश को विकास के रास्ते पर लाने के लिए हम समस्त कांग्रेस जन एक संकल्प लेते हैं कि उनके आदर्शों पर, उनकी नीतियों पर चलकर इस देश को कामयाब बनाने के लिए, इस देश में अच्छी सरकार लाने के लिए, इस देश में निष्पक्ष धर्मनिरपेक्ष माहौल बनाने के लिए, इस देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए हम लोग कार्य करेंगे।